गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कमोडिटी में किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। हमने देखा कि कल गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया 48,825 का, और आज हम देखें तो करीबन 48,829 का गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 12 साल के हाई पर करीबन $1,785 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट सपोर्टिव पॉइंट है वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं। हमने देखा है कि यूएस के अंदर डेली बेसिस पर करीबन 40,000 के आसपास नए कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की यहाँ देखने को मिल रही है। हालाँकि इन्वेस्टमेंट डिमांड और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट करीबन 48,300 रहेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,770 गोल्ड में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट हो सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पर 49,200 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,795 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी हमने कल एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखी थी, और सिल्वर के भाव कल 50,000 को ब्रेक करके करीबन 50,400 के आसपास बंद होते हुए नज़र आए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने देखा है कि सिल्वर के भाव $18 के स्तर को ब्रेक करके $18.25 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आए। यहाँ पर भी हमने काफ़ी तेज़ी बनते हुए देखी है, क्योंकि गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली उसी के टैंडम में हमने सिल्वर के अंदर भी तेज़ी बनते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर भी हमने सिल्वर के अंदर एक डिमांड बढ़ते हुए देखी है, और साथ में सिल्वर ETF की डिमांड जो है वो भी यहाँ बढ़ती हुई नज़र आई है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर के भावों में तेज़ी का माहौल बन सकता है, तो हमारी रिकमेंडेशन है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें ट्रेड करना चाहे वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो कल हमने सभी बेस मेटल में तेज़ी का माहौल आते हुए देखा था। हमने देखा था कल कॉपर के भाव ऑलमोस्ट 0.25% की तेज़ी के साथ बंद हुए, और ऑलमोस्ट 464 के लेवल के आसपास बंद होते हुए नज़र आए। यहाँ हमने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन होने की वजह से जो माइंस हैं वो बंद हुई हैं, और उसकी वजह से कॉपर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर हट उठती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से कॉपर के भावों में तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आया है। हालांकि इन्वेंट्रीज काफ़ी डाउन है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट होने की वजह से बेस मेटल की डिमांड यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बेस मेटल में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो जिंक और कॉपर में हमें लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। कॉपर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है करीबन 464, रेजिस्टेंस है 471। जिंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 162, रेजिस्टेंस है 167। हमें लगता है कि ट्रेडर्स यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो एनर्जी सेगमेंट के अंदर भी हमने कल तेज़ी का माहौल बनते हुए देखा था। अगर हम देखें तो कल क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 0.50% की तेज़ी के साथ बंद हुए, और 3,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा था एक तेज़ी का माहौल बनते हुए देखा था, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रूड की इन्वेंट्री कम होते हुए देखी है, साथ में जो डिमांड है क्रूड की वो बढ़ती हुई देखी है, इसकी वजह से क्रूड को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड के अंदर आगे भी तेज़ी का माहौल रहेगा। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 2960 का रहेगा, रेजिस्टेंस 3070 का रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज़ की जा सकती है। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर एक मिला जुला रुख देखने को मिला। अच्छे मॉनसून आने की वजह से और ऑन द टाइम मॉनसून की वजह से हमने यहाँ पर सभी एग्री कमोडिटीज़ में एक बिकवाली का प्रेशर आते हुए देखा है। हालांकि खरीफ की फसल के जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कुछ बिकवाली का माहौल आते हुए देखा है। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड की कुछ क्वेरीज भी यहां पर हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए देखी हैं, तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भाव एक मिले जुले रुख में रहेंगे। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी एग्री कमोडिटी में यूज़ की जा सकती है। पर्टिकुलर अगर हम स्पाइस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्वायरीज देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पर स्पाइसेस के अंदर जीरा और टर्मरिक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज़ की जा सकती है। हालांकि एडिबल ऑयल्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छे मॉनसून की वजह से खरीफ फसल के आंकड़े अच्छे आने की वजह से एक्सपेक्टेड है कि भावों में हायर लेवल से कुछ बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको हमारे इस पॉडकास्ट से, इस जानकारी से आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।